अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं यहाँ पर आई हूँ, आज हमारे तरफ संडे को मार्केट भरता है तो वहाँ पर, और साइड में देखिए यहाँ पर आपको मार्केट से जो हमारा न्यू पुलिया बना हुआ है ना, उड़ान पुल, वो भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये मार्केट में मतलब अभी तो कोरोना की वजह से 2-3 साल से मार्केट नहीं भर रहा था, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर जो आसपास के गांव के जो छोटे बड़े गांव है जहाँ के, तो वहाँ से सब खेती की फ्रेश सब्जियाँ लेकर के आते हैं। तो वही सब्जियाँ मतलब संडे के दिन अच्छी ज़्यादा सब्जियाँ मिल जाती है हर किस्म की। हफ्ते में वैसे 2 से 3 बार जो है अच्छा बड़ा मार्केट लग जाता है। तो मैं आई थी मार्केट लेने, तो सोची आप लोगों के साथ में। अभी तक मैंने वीडियोस बहुत शेयर की हूँ, लेकिन नहीं क्या सही तरीके से बनाती नहीं थी ना मैं। अब मैंने सोची कि सही तरीके से बिल्कुल खुल करके वीडियो बनाना है मुझे, और आप लोगों के साथ में हर छोटी बड़ी चीज़ें मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की शेयर करने का है करके। तो बस अब से क्या हो गए, एकदम वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल एक यूट्यूबर की तरह वीडियो बनाना है, पैशन समझ के वीडियो बनाने का है अब मुझे। तो ये मार्केट में गोभी वगैरह जो थी, आलू थे, बैंगन थे, तो जैसा जो मार्केट का दिन रहता है उस दिन थोड़ा कम रेट में मिल जाता है। बाकी के टाइम पे कैसा होता है, थोड़ा महंगा होता है। ये आला टमाटर के तो भाव ही ना पूछिए, 60 रुपये किलो टमाटर। और मिर्ची तो है, मिर्ची 15 रुपये पाव, 20 रुपये पाव। इतनी सी पत्ता गोभी जो दे रहे थे ना, ये जो भैया पत्ता गोभी गिन रहे हैं, ये पत्ता गोभी मालूम है आप लोगों को 10 रुपये की दी है इन्होंने। और क्या बोल रहे थे, 15 रुपये की आधा किलो मुझे। मैं बोली 15 रुपये की आधा किलो नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 10 रुपये की दे दो करके। तो मैंने 10 रुपये की बहुत हो जाती है, मैं बोली। तो फिर मैंने 10 रुपये की ली और 20 का नोट दी थी। तो बेचारे भैया इतने ईमानदार रहते हैं ना सभी, वैसे सभी ईमानदार होते हैं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। 10 रुपये वापसी दे दिए उन्होंने मुझे। और फिर बाद में मैंने गोभी भी ली थी, फूल गोभी तो या अल्लाह 50 रुपये किलो। टमाटर इतने महंगे, प्याज, करेला तो मैं लेकर के आई थी, करेला भी 15 रुपये पाव था। मैं भैया को बोली कि मैं करेला अकेले खाती हूँ और मैं किसको खिलाऊंगी करेला। तो फिर मैं बोली आप ऐसा करिए, मुझे सिर्फ नहीं क्या 10 रुपये का करेला दे दीजिए। तो फिर उन्होंने 10 रुपये का करेला दिए मुझे। लाल मिर्ची के मार्केट में लाल मिर्ची करके देखती हूँ। मटके हम लोग घड़े बोलते हैं, तो मैं ये भाई से पूछ रही थी घड़े कैसे दिए करके। तो मैं जिनके पास से मटके लेती हूँ ना, वो भाई वो साइड में बैठे थे, तो मेरा ध्यान पहले उनके तरफ गया ही नहीं। कैसा रहता है, हम जिसके पास से लेते हैं ना तो उसी के पास से लेते रहना चाहिए। तो ये मटका मालूम है 50 रुपये, 60 रुपये का बोल रहे थे ये मटका। या अल्लाह, मैं बोली 60 रुपये का मटका नहीं चाहिए मैं बोली मुझे, क्योंकि मटका तो ऑलरेडी मेरे घर पे था। मैंने सोची अगर कम रेट में छोटा सा मटका मुझे मिल जाएगा तो एक मटका और ले लेती हूँ, गर्मी का टाइम तो चल ही रहा है। फिर ये चूल्हे का वगैरह रेट पूछी, चूल्हा तो मेरे पास में था ही, लेकिन ये छोटी वाली जो आंबल वगैरह बनाते हैं ना, तो इसको हम हांडी बोलते हैं। तो बड़ी वाली हांडी तो मेरे पास में है, जैसे कि मैंने चिकन हांडी वगैरह की सब्ज़ी बनाई उसमें देखे होंगे। और एक छोटी हांडी यही भाई के पास से मैं लेकर के आई थी, तो वो नहीं क्या फूटी हुई निकली। तो वही मैं बता रही थी, इस टाइप की हांडी मैं लेके गई थी आपके पास की, तो फूटी हुई निकली करके। तो वो बोलते तो वापसी क्यों नहीं लाए बोले। तो मैं बोली क्या वापसी लेकर के आती 25 रुपये के लिए। तो वो मटकी का रेट पूछी तो वो 40 रुपये बोल रहे थे। तो फिर मैंने नहीं ली, घड़ा भी नहीं ली और मटकी भी नहीं ली, क्योंकि स्कूटी भी नहीं थी ना मेरे पास में, तो फिर कैसे लेकर के गए रहते। हरारों में बाइक से आए थे, बाइक पे सब्जी की थैली भी थी, और फिर ये सब नहीं हुआ रहता ना। मैं बोली जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब लेकर के जाऊँगी। फिर नहीं क्या थोड़े आगे बढ़ी तो वहाँ पर नहीं क्या मिर्ची का रेट भी पूछ ली मैंने, तो मिर्ची भी बहुत महंगी महंगी बता रहे थे, 260 रुपये किलो। फिर जो बहुत तीखी है तो वो 240 रुपये किलो, कम तीखी है तो 260 रुपये किलो। तो लाल मिर्ची तो मेरी लेकर के हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोची कि अगर थोड़ा कम रेट में मिलेगी तो आधा किलो या 1 किलो ले लूँगी मैं पिसाने के लिए करके।
पर वैसा हुआ नहीं और मैंने कुछ ली नहीं। ये भैया को बोली तो ये भैया बोलते हाँ ठीक है दूंगा, लेकिन झिल्ली नहीं है बोले मेरे पास में। तो फिर मैं बोली मैं तो कुछ झिल्ली लेकर के आई नहीं थी ना, तो फिर मैंने बोली रहने दो भैया करके। और फिर नहीं क्या, मुझे अदरक भी ख़रीदने की थी, अदरक लेना मैं भूल गई थी। तो सोची कि चलो बैगन नहीं क्या, एक बाड़ी वाला लेकर क्या था, इतने फ्रेश बैगन थे ना, तो वो 15 रुपये के आधा किलो बैगन दे रहा था। तो फिर मैंने उसके पास से 10 रुपये के बैगन ले ली, 10 ही रुपये का ली क्योंकि मुझे हो जाता था ना उतना। और फिर अदरक वाले भैया भी नहीं क्या 10 रुपये पाव अदरक बेच रहे थे, तो उनके पास से मैंने 10 रुपये की एक पाव अदरक ले ली। अच्छी अदरक दिखी और चाय वगैरह में लगती है, मसालों को लगती है, तो इसलिए मैंने सोची कि एक पाव ले ली थी। बाद में मुझे ध्यान में आया कि मैंने 1 किलो ले लेनी चाहिए थी करके, 40 रुपये की हो रही थी, पर उतना दिमाग ही नहीं गया मेरा। तो खैर अब जो ले ली वो ले ली ना, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट तो आ ही गया घर में। कभी कभी कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ता जो मैंने लगाई नहीं थी। तो इनके पास से मैंने 15 रुपये की जलेबी खरीद ली थी। कैसे खा रहा है? गप 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 गुप चुप। मेरे दो ही खाई, बहुत टेस्ट लग गया मेरे को, टेस्टी थे गुप चुप। लेकिन ये क्या, अभी फ़िलहाल तो सिर्फ एहरार खा रहा है और मार्केट वगैरह लेकर के हो गया हमारा।